ओम साईनाथ साई बाबांच्या या पवित्र भूमीवर उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. हे श्री साई बाबांच्या महासमितीचे शताब्दी वर्ष आहे. या निमित्त आपला दर्शनाचा योग आला याचा मला अतिशय आनंद आहे. मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी, विधानसभा के स्पीकर हरिबाबू जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री सुभाष भामरे जी, साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीमान सुरेश हावरे जी, महाराष्ट्र के तमाम मंत्रीगण, संसद के मेरे साथी, महाराष्ट्र के विधायकगण और यहाँ विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारतवर्ष को, देश के जन जन को दशहरे की, विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई. हम सभी का ये प्रयास रहता है कि हर वर्ष पर्व को अपनों के साथ मनाएं. मेरी भी ये कोशिश रहती है कि हर त्यौहार देशवासियों के बीच जाकर के मनाऊं. इसी भावना के साथ आज आप सभी के बीच उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला है. जिस प्रकार आप सभी दशहरे के पावन अवसर पर भारी संख्या में यहां मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और मैं देख रहा हूं कहीं जगह ही नहीं बची, आधे लोग तो धूप में खड़े हैं, मैं आप सबका और आपका यही अपनत्व, यही मेरी सामर्थ्य है इस आपके इस प्यार के लिए. एक मुझे आपका ये प्यार निरंतर नई ऊर्जा का संचार करता है, मुझे शक्ति देता है. साथियों, दशहरे के साथ साथ हम आज शिरडी की इस पावन भूमि पर एक और पवित्र अवसर के साक्षी बन रहे हैं. साईं बाबा की समाधि के शताब्दी समारोह को भी आज संपन्न होने का, पूर्ण होने का, समापन का ये अवसर था. थोड़ी देर पहले ही मुझे साईं बाबा के दर्शन में उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला. मैं जब भी मुझे साईं बाबा का दर्शन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, तो करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह जैसे आप लोगों के दिल में भावना जगती है, वैसी ही जनसेवा की भावना और जनसेवा के लिए खुद को समर्पित करने का एक नया उत्साह इस भूमि पर से मिलता है. भाइयों और बहनों, शिरडी के कण कण में साई के मंत्र उनकी सीख है. जनसेवा, त्याग और तपस्या की जब बात आती है तो शिरडी का उदाहरण हर कोई प्रस्तुत करता है. यह हमारा शिरडी तात्या पाटिल जी की नगरी है, ये दादा कोते पाटिल जी की नगरी है, ये माधवराव देशपांडे, मानसापति जैसे महापुरुष इसी धरती ने दिए हैं. काशीराम शिपी और अप्पा जागले साईं बाबा की अंतिम समय तक सेवा करते रहे.
कोंडाजी, गवाजी और तुकाराम को कौन भूल सकता है। इस पावन धरा के इन महान सपूतों को मैं नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, साई का मंत्र है सबका मालिक एक है। साई के चार शब्द जैसे समाज को एक करने का सूत्र वाक्य बन गए हैं। साई समाज के थे और समाज साई का था। साई ने समाज की सेवा के कुछ रास्ते बताए थे और मुझे प्रसन्नता है कि साई बाबा के दिखाए रास्ता पर श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट निरंतर समाज की सेवा कर रहा है। शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त करना हो, आध्यात्म के जरिए सोच में परिवर्तन करना हो, समाज में समरसता और सहभाव का संचार करना हो, इसके लिए आपका प्रयास बहुत ही वंदनीय है। आज भी इस धरती पर आस्था, आध्यात्म और विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है और मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूं कि गरीबों के कल्याण की इतनी बड़ी योजना के लिए इससे बढ़कर के कोई जगह नहीं हो सकती। साईं के चरणों में बैठ करके गरीबों के लिए काम करना, इससे बड़ी धन्यता क्या हो सकती है। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार बधाई के पात्र है। दर्शनार्थियों के लिए बनने वाले नए परिसर के भूमि पूजन के मौके पर मौजूद होने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन साईं बाबा इंग्लिश मीडियम स्कूल, कन्या विद्यालय और कॉलेज की नींव रखी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि साईं के जीवन और दर्शन को लेकर शुरू होने वाले साईं नॉलेज पार्क से लोगों को साईं की सीख समझने में और आसानी होगी। साथियों, आज यहां 10 मेगावाट की एक सोलर यूनिट का भी काम शुरू हुआ है। इससे संस्थान के संसाधन बढ़ेंगे और क्लीन एनर्जी में संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। एक प्रकार से साई ट्रस्ट की तरफ से करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस दशहरा का, विजयादशमी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। साथियों, नवरात्र से लेकर दीपावली तक साल का ये वो समय होता है जब देशवासी घर, गाड़ी, गहने जैसे अनेक सामान की खरीद करते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उसका हिसाब से पैसे बचाता है और अपने परिवार को उपहार देता है। मुझे खुशी है कि दशहरे के इस पावन अवसर पर मुझे महाराष्ट्र के 2.5 लाख भाइयों बहनों को अपना घर सौंपने का अवसर मिला है। मेरे वो भाई बहन जिनके लिए खुद का घर हमेशा ही सपना रहा है, अपने इस विशाल परिवार के सदस्यों को एक साथ गृह प्रवास कराने से इससे बड़ी अपने गरीब भाई बहनों की सेवा मैं समझता हूं दशहरे की पूजा भला मेरे लिए इस सेवा से बड़ी क्या हो सकती है। आप सभी जनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इस नए घरों की, आपके जीवन में आए इस शुभ अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये नए घर आपके अपने सपनों के प्रतीक तो है ही, आपकी आकांक्षाओं को नया आयाम देने वाले भी है। अब आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सार्थक बदलाव के बदपथ पर आगे बढ़ चुका है। ये गरीबी पर जीत की तरफ का
एक बहुत बड़ा पहला अहम कदम है। साथियों, अपना घर जीवन को आसान बना देता है और गरीबी से लड़ने का नया उत्साह पैदा करता है, एक सम्मान का भाव पैदा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे, देश के हर बेघर गरीब परिवार को उसका खुद का घर देने का लक्ष्य रख करके हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि करीब करीब आधा रास्ता हम इतने कम समय में पार कर चुके हैं। भाइयों और बहनों, गरीब हो या मध्यम वर्ग का परिवार, बीते 4 वर्षों में उसे झुग्गी से, किराए के मकान से निकालकर अपना घर देने की तरफ सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका लक्ष्य गरीबों को घर देकर, गरीबों को सशक्त करने के बजाय एक विशेष परिवार के नाम का प्रचार करना, यही उनका मकसद था। वोट बैंक तैयार करना, यही उनका मकसद था। घर अच्छा हो, उसमें शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस का कनेक्शन हो, इस पर पहले कभी सोचा ही नहीं गया। जब किसी योजना के मूल में राजनीतिक स्वार्थ वो केंद्र में नहीं होता है, राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सिर्फ और सिर्फ गरीब का कल्याण होता है, तो उसके जीवन को आसान बनाने की प्रेरणा मिलती है, तब काम की गति कैसे बढ़ती है, ये आज देश के सामने जीता जागता उदाहरण है। साथियों, पहले जो सरकार थी, उस पिछली सरकार ने अपने आखिरी 4 साल के वर्षों में पूरे देश में सिर्फ 25 लाख घर बनाए थे। 4 साल में 25 लाख, कितने 4 साल में, जरा बोलिए ना, बताइए क्या हुआ। 4 लाख में कितने घर बनाए थे, 4 साल में कितने घर बनाए थे, 25 लाख। जबकि बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आने के बाद, 1,25,00,000 घर बनाए हैं। उनके 4 साल के 25 लाख और हमारे 4 साल के 1,25,00,000, अगर वही सरकार होती तो इतने घर बनाने के लिए 20 साल लग जाते, 20 साल, और आपको भी 20 साल तक इस घर के लिए इंतजार करना पड़ता। तेज गति से काम करने वाली सरकार गरीबों को तेज गति से कैसे दे काम देती है, इसका यह उदाहरण है। और आप देखिए, सब कुछ तो वही है, वही साधन, वही संसाधन, वही लोग, लेकिन साफ नियत से, गरीब की सेवा के भाव से जब काम होता है तो ऐसे ही तेज गति से नतीजे भी मिलते हैं। भाइयों और बहनों, पहले की सरकार में एक मकान बनाने में करीब करीब 18 महीने लगते थे, 1.5 साल लगता था। इस सरकार में 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने से भी कम समय में घर तैयार हो जाता है। समय तो कम हुआ ही है,
हमने घर का आकार भी बढ़ाया है। इसके साथ साथ घर बनाने के लिए सरकारी मदद को भी 70,000 रुपये से बढ़ा करके 1,20,000 रुपया कर दिया गया है। सबसे अहम बात ये कि पैसे सीधे बैंक खाते में जमा हो रहे हैं और लाभार्थियों का चयन वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, ये घर टिकाऊ हो, उनमें शौचालय समेत सारी मूलभूत सुविधाएं हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज अपना घर प्राप्त करने वाले लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे जब आज कुछ परिवारों से अलग अलग जिलों में बात करने का मौका मिला, उन बहनों का आत्मविश्वास, इनके चेहरे की खुशी मुझे कितना आनंद देती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब मेरा कोई गरीब परिवार उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है तो जीवन काम करने को जैसे धन्य हो जाता है, नया काम करने की ऊर्जा मिल जाती है। और इन सभी बहनों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं फिर एक बार उस संकल्प को दोहराता हूं कि आपकी सेवा के लिए हम पल पल अपना जीवन आपके लिए खपाते रहेंगे। भाइयों और बहनों, देश के हर घर को शौचालय की सुविधा से जोड़ने का अभियान अब अंतिम पड़ाव पर है। महाराष्ट्र ने तो इस मामले में प्रशंसनीय कार्य किया है। आप सभी ने, पूरे महाराष्ट्र ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिया है। इसके लिए राज्य के 11 करोड़ नागरिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे महाराष्ट्र के गांव और गलियां साफ सुथरी तो रहेंगी ही, साथ में डायरिया जैसी अनेक बीमारियों से गरीब किसान परिवारों के बच्चों का जीवन सुरक्षित रहेगा। साथियों, जब गरीबों के जीवन और स्वास्थ्य की बात आती है, जो आजकल पूरी दुनिया में आयुष्मान भारत यानी पीएम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बड़ी चर्चा हो रही है, इसके तहत हर वर्ष देश के करीब 50 करोड़ नागरिकों को गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। महाराष्ट्र के भी लाखों परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। अभी तो इसको शुरू हुए महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन देश भर के अस्पतालों में करीब करीब 1,00,000 मरीज इसका लाभ ले चुके हैं। इस योजना की वजह से किसी गरीब की पथरी का मुफ्त इलाज हुआ है तो किसी गरीब के ट्यूमर को हटाया गया है, किसी का 50,000 का मेडिकल बिल भरा गया तो किसी का 3,00,000 का। साथियों, इस योजना के तहत अब तक जो क्लेम दिया गया है वो औसतन प्रति व्यक्ति लगभग 20,000 रुपये दिया गया है। अब आप सोचिए, हजारों की यह राशि उस गरीब को अपनी जेब से खर्च नहीं करनी पड़ रही थी, वो कर भी नहीं पाता था, इसी वजह से वो अस्पताल जाने से बचता था। अब सरकार उस गरीब के साथ खड़ी है कि पैसे की चिंता मत करिए, पहले अपना इलाज करवाइए। साथियों, आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश में आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नया ढांचा तैयार हो रहा है। विशेषकर टियर 2 टियर 3 शहरों में हजारों नए अस्पताल खुलने की संभावना बनी है। ये अस्पताल देश के नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी लेकर के आएंगे। भाइयों और बहनों, समाज का हर वर्ग, हर जन सुखी हो,
सबका जीवन सरल और सुगम हो, इसी लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। मेरी जानकारी है कि राज्य के एक हिस्से हमारे महाराष्ट्र में वरुण देव की कृपा कुछ कम हुई है, बारिश कम हुई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसके माध्यम से आपको जल्द से जल्द राहत मिलेगी ही। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार जो कदम उठाएगी उसमें केंद्र भी कंधे से कंधा मिलाकर के पूरा सहयोग करेगी। भाइयों और बहनों, पानी के इसी संकट से देश के किसानों को निकालने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बरसों से अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम कर रही है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी अनेक बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने जलयुक्त शिवार अभियान के माध्यम से जल संकट से निपटने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया है। ये बहुत संतोष की बात है कि इस अभियान की वजह से राज्य के 16,000 गांव सूखा मुक्त हो चुके हैं और करीब 9,000 गांवों को सूखा मुक्त करने का काम तेजी से चल रहा है। मैं महाराष्ट्र के लोगों की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने सिंचाई टैंकों की सफाई, डिसिल्टिलेशन के अभियान को बहुत सफलतापूर्वक चलाया है। इरिगेशन टैंकों से 9 करोड़ क्यूबिक मीटर की सिल्ट निकालने का काम आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जन भागीदारी से एक अभूतपूर्व काम करके पूरे देश को रास्ता दिखाया है। मुझे बताया गया है कि यही काम अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते, किसी एजेंसी को दे देते, तो 600 करोड़ से भी ज्यादा खर्च होता। लेकिन यही काम आपने अपने परिश्रम से कर दिखाया है। साथियों, फसल अधिक भी हो और उसका उचित दाम भी मिले, इसके लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारी सरकार है जिसने एमएसपी को लेकर किसानों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है। सरकार ने गन्ने समेत खरीफ और रबी की 21 फसलों को समर्थन मूल्य में लागत के ऊपर 50% का लाभ तय किया है। इस ऐतिहासिक फैसले से इस साल देश के किसानों को हजारों करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी। साथियों, खेती के साथ साथ सरकार टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र में तो शिरडी जैसे आस्था से जुड़े बड़े स्थान भी, तो दूसरी तरफ अजंता इलोरा जैसे आकर्षक स्थान भी है, जहां दुनिया भर के टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। आस्था, आध्यात्म और इतिहास को युवाओं के रोजगार से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान हमने शुरू किया है। देश के टूरिस्ट सर्किट को आपस में जोड़ा जा रहा है, वहां सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यहां शिरडी में ही पिछली बार जब इस शताब्दी समारोह की शुरुआत करने हमारे माननीय राष्ट्रपति जी आए थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट का उपहार दिया था। मुझे कहा गया है कि अब यहां से जो फ्लाइट चल रही है उनमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि देश और दुनिया का हर साईं भक्त आसानी से यहां आकर दर्शन कर सके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की धरती ने हमेशा सामाजिक समरसता का पाठ देश को पढ़ाया है। वीर शिवाजी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, या फिर
पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सबने उन मूल्यों की स्थापना की जो समता और एकता को सामाजिक शक्ति मानते हैं। आपने इन महान संत पुरुषों का सबक हमेशा याद रखना और स्वार्थ के लिए समाज में भेद करने वाली हर शक्ति, हर बुराई को हमने पराजित करना है। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमें जोड़ने वाली शक्ति को सशक्त करना है, तोड़ने वाली ताकतों को परास्त करना है। सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत का यही संकल्प इसी विजयादशमी को हमें लेना है। और इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब इस संदेश को लेकर के आगे बढ़े और इसी संदेश के रास्ते हमें आगे चलना है। साईं बाबा ने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर हमें आगे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई साथियों, आज मैं इस पवित्र स्थान पर हूं, शताब्दी समारोह का समापन कर रहा हूं। इस 31 अक्टूबर को राज्य में आप सभी की सरकार 4 वर्ष पूरे करने वाली है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी पूरी टीम को अग्रिम बधाई देता हूं। आप यूं ही पूरी शक्ति से महाराष्ट्रवासियों की सेवा करते रहें और आपको यहाँ के जन जन का आशीर्वाद मिलता रहे, मेरी यही कामना है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर उन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई जिनको आज दशहरे के दिन खुद का, अपना मालिक का, अपने सपनों का आज घर मिला है। ये नए घर आपके सपनों को पूरा करने का माध्यम बने। इन घरों में रहते हुए आप और आपका परिवार जीवन में और आगे बढ़े, तरक्की करे, आपके बच्चे सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबको इस पावन अवसर पर यहां बुलाने के लिए, इस सेवा का अवसर देने के लिए मैं श्री साई ट्रस्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं। आने वाला हर त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए, इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा असुदया सबुरी ही ठेवा, साई बाबा चा आशीर्वाद आपला सर्वाना लाभो, ही साई चरणी प्रार्थना करून माझी बात समाप्त करतो। धन्यवाद। मैं धन्यवाद।